Hi guys, very good morning to all. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सो दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और आज से आपके पेपर भी शुरू हो रहे हैं सो so, आज आपका पहला पेपर है जितने भी बच्चों का एग्जाम है विशू ऑल्ट जिनका एग्जाम अभी इन तेरह दिनों में है उन सबको भी बड़ा वाला okay, चलिए तो को को जितनी भी important news है, उन सभी news को हम लोग करेंगे इस particular session के अंदर कोशिश करिएगा कि हर एक पॉइंट को क्लास के साथ साथ में लिख लिया करिए सो दैट आपका कोई भी पॉइंट जो है वो ना छूटा करे क्योंकि हर एक पॉइंट जरूरी होता है है ना वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ओके विश यू नीतू संदीप मलाइका सुप्रभात सुप्रभात सुमित्रा गणेश यो प्रतिभा वेरी गुड मॉर्निंग तो आज के सेशन की शुरुआत होगी जी ट्वेंटी से और ये खत्म होगा जाके अपनी लखेरा पे ओके तो सारी की सारी न्यूज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे लेकिन उससे पहले एक बारी से क्लास के लिंक को शेयर जरूर से कर दिया करिए सुजीत सौम्या वेरी गुड मॉर्निंग ओके मैं भी एक बार से इसको शेयर मार दूं और आप लोग भी एक बार इसे शेयर मार दीजिएगा ठीक बा हाँ जी और आज जितो का पेपर है प्लीज एग्जाम के बाद में मुझे क्वेश्चन जरूर से टेलीग्राम कर दीजिएगा सो दैट जब भी उसको डिस्कस करना होगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल पाए ओके ओके दिस इज अ कम्पीट प्रोग्राम जो आप लोगों का चल रहा है आर्मी पे जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्पीट कर सकते हो आने अपनी रैंकिंग को चेक कर सकते हो ठीक है सेकेंडली आते हैं यहाँ पे जरा थॉट ऑफ द डे पे और आज का थॉट ऑफ द डे हा हा राजवंशी शिखा केडी अनिल राखी रवि आदिति आदित्य तिनिया अभिजीत पी एफ ए के प्रिया वेरी गुड मॉर्निंग यौ कार्तिक गुड मॉर्निंग ओके लाइफ एंड टाइम आर द बेस्ट टीचर्स हमारे जीवन में दो चीजें ऐसी होती हैं जो सच में हमारी बेस्ट टीचर होती हैं लाइफ एंड टाइम ये तो ऐसी चीजें ना जो हमें जिंदगी में हर कुछ चीज सिखा देती है हर कुछ सिखा देती है हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले बैठ के पढ़ नहीं सकते हम अकेले घर में रह नहीं सकते हम अकेले घर के बाहर नहीं जा सकते तो कई बार लोगों को फोबिया भी होता है इन सब चीज़ों का लेकिन जो समय है ना जो वक्त होता है ना हमारी जिंदगी में वो हर चीज हमें सिखा देता है कि ना तुम तो अगर इससे डरते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ में पचास बार आऊंगा ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि अगर आप किसी चीज़ से डरते होंगे तो वो चीज़ बार बार आपको परेशान करती है है ना तो लाइफ जो है ना वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है और जो वक्त है वो भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है तो हमें दोनों ही चीज़ों की वैल्यू करनी चाहिए और जिस चीज़ से आपको डर लगता है आप उस चीज़ को फेस करने की जो हिम्मत है जो आपका मोटिवेशन है वो हमेशा रहना चाहिए ठीक तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है आज से बिल्कुल भी डरना नहीं है टेंशन नहीं लेनी है चार अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा तो आप समझ सकते हो स्टार्टिंग के शिफ्ट ईजी होंगे लेकिन बाद के शिफ्ट थोड़ा सा टफ हो सकते हैं धीरे धीरे करके ये जो पेपर का लेवल होगा वो बढ़ना शुरू करेगा जैसे कि हर बार हो रहा है बट आपको सारा का सारा रिविजन करके जाना है ठीक है चले शुरुआत की जाए फिर यू आर फ्रॉम मणिपुर राधे राधे बबलू गोलू एनोनिमस आशीष वेरी गुड मॉर्निंग दीपक हैप्पी पंकज सीआर सी आर, सी आर सेवन डब्ल्यू ओके आज भैया शुरुआत करते हैं और आज इस क्लास के बाद में आपका कोई क्लास नहीं होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरे को थोड़ा इन लॉस के यहाँ पे शादी है तो वहां पे जाना है तो दिस इज द ओनली क्लास फॉर टुडे ठीक है आज सिर्फ और सिर्फ यही क्लास होगा अब देखिए खुशी की लहर आज है फर्स्ट ऑफ दिसम्बर नागालैंड का भी हैप्पी बर्थडे है बी का भी हैप्पी वाला बर्थडे है तो दोनों को हैप्पी बर्थडे एंड बात करेंगे निर्मला सीतारमन जी के बारे में सवाल सवाल में आपसे कहा जा रहा है आप ध्यान से फोकस एग्जाम सेंटर जा रहे हो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आशीष ओके विच ऑफ दिटी विल होस्ट दीटिंग ऑफ द जी ट्वेंटी गवर्नर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी 2023? सवाल में कहा जा रहा है कि G20 के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं इनकी बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है अब जरा इस बात को समझिएगा आधे से ज्यादा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम कल तो आपने वो बताया था आज आप बेंगलुरु बता रहे हो ऐसे कैसे चलेगा तो सुनो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या है कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होना है कौन सा फिफ्थ वाला वो होगा एम के अंदर उसी तरीके से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है वो होना है कहाँ पे यूपी के अंदर लेकिन इन्होंने अलग अलग जगह डिसाइड की है उन जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा उसी तरीके से जी ट्वेंटी जो है जिसे हम क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्वेंटी है ना ये जो ग्रुप ऑफ ट्वेंटी है इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी आती है नाइनटीन और एक ऑर्गेनाइजेशन आता है दैट इज यूरोपियन यूनियन इसका कोई हेडक्वार्टर आपको देखने को नहीं मिलता यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनके पास में चेयरमैनशिप जो है वो घूमती रहती है यहाँ पर इस बार की अगर हम बैठक की बात करें तो ये पर इंडोनेशिया बाली के अंदर इसका आयोजन किया गया 2022 का लेकिन 2023 की जो बैठक आयोजित की जाएगी वो कहाँ होगी वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी ये पहली बार होगा दिस इज द फर्स्ट टाइम जब G20 की जो बैठक है वो भारत के अंदर आयोजित की जाए ठीक है अब पॉइंट यहाँ पे क्या है बैठक होने से पहले जो प्रेसिडेंटशिप है वो भी तो इंडिया के हाथ में आएगी ना तो यहाँ पे दिसंबर में दिसंबर 2022 में चार से लेके सात के बीच में इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जो शेरपाज हैं उनकी बैठक का आयोजन किया जाएगा ये कहाँ होगी उदयपुर के अंदर होगी इंडिया की तरफ से शेरपा कौन है ये है अमिताभ कान कौन है अमिताभ कान ये यहाँ पे हो गए अब ये मीट तो भी दिसंबर में होनी है राइट? 2023 में जब आप आओगे 2023 में जब आप आओगे तो फेब में अभी डेट नहीं आई है फेब 2023 में जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं इन सब की बैठक जो है वो कहाँ होगी बेंगलुरु में होगी ओके इसके अलावा श्रीनगर में भी एक बैठक होगी एक बैठक दिल्ली के अंदर भी होगी बट फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक कहाँ पर होगी ये हो जाएगी आपकी बेंगलुरु में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं G20 के बारे में तो इसको बनाया कब गया था तो G20 बनता है 1999 में अगर आपसे कहा गया कि G20 जो है इसमें भारत ने अपना लोगो भी जारी किया है जी हाँ और उस लोगो के नीचे क्या लिखा हुआ है वासुदेव का क्या है वासुदेव का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ में ये जो यहाँ पे लोगो रिलीज किया गया है इसके अंदर आपको सात लोटस के पेटल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और ये सात पेटल्स क्या दिखाते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड क्या दिखाते है? हैं कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं एग्जामिनर आपसे हलवा सवाल नहीं बनाएगा वो पूछेगा तो वो इस लोगों के ऊपर भी सवाल बना सकता है वो हो सकता है इसकी थीम के ऊपर सवाल बना दे ठीक है ना तो ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वासुदेव कुटुंब का ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आओ अब बात आई है बेंगलुरु की है ना तो बेंगलुरु चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं बेंगलुरु आपके सामने जब भी आएगा तो आपको क्या याद रखना है एरो इंडिया शो कौन सा शो था एरो इंडिया शो ये शो जो है ये अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये भी शो कब होगा 2023 में कहा होगा बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट खेलो इंडिया गेम्स खेलो इंडिया गेम्स कौन से वाले यूनिवर्सिटी वाले जिसका सेकेंड एडिशन अभी आयोजित किया गया था और ये सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हुआ था इसमें जीता कौन था जैन यूनिवर्सिटी कौन जीती थी, थी जैन यूनिवर्सिटी सेकेंड पे कौन थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकेंड पे कौन थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसी तरीके से क्या होगा इसी तरीके से सेवनटीन नंबर का सेवनटीन नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस क्या है प्रवासी भारतीय दिवस ये जो दिवस होगा ये कब होगा नाइन्थ ऑफ जनवरी 2023 और ये कहाँ पर हो जाएगा तो ये होगा इंदौर एमपी के अंदर कहाँ होगा इंदौर एमपी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए हाँ, एग्जैक्टली exactly. नेक्स्ट पूछा जाएगा 3डी पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे खोला गया तो ये जो 3डी पोस्ट ऑफिस है ये भी आपको बेंगलुरु में मिलेगा इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए सबसे पहली हेली टैक्सी सबसे पहली हेली टैक्सी ये भी बेंगलुरु हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर आते क्या मिलेगा इंडिया का स्पेस सिटी यानी कि बेंगलुरु वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या निकाल के लेकर आओगे कि अभी हाल ही में अभी हाल ही में बताया गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये कहाँ पर हुआ तो इसका आयोजन हुआ फोर्टी फर्स्ट नंबर का दिल्ली के अंदर कहा दिल्ली के अंदर नेक्स्ट आपसे क्या कह लेगा ये बताओ कि अच्छा हेली इंडिया समिट कौन सी हेली इंडिया समिट ये समिट कहाँ पर होगी इसका ये फोर्थ एडिशन है ये समिट कहां पर आयोजित की जाएगी तो इसका आयोजन होगा श्रीनगर के अंदर कहा होगा श्रीनगर के अंदर श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे पर है सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मेजर पॉइंट झेलम नदी ओके कर्नाटका रत्न अवॉर्ड बिल्कुल सही जवाब है झेलम नदी के किनारे पर है और यहीं पर आपको लेख मिलेंगे डल एंड बोला कौन सा डल एंड बोला ऑफ नवंबर को कौन से राज्य का बर्थडे था कर्नाटका कर्नाटका के अलावा छह और राज्य थे और दो यूनियन टेरिटरीज थी यहाँ पे राज उत्सव का जो अवॉर्ड है वो दिया गया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आएगा के सिवान किसका नाम आएगा के सिवान जी को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया ठीक है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए मैंने आपको सारा ज्ञान यहाँ पे दे दिया ठीक बा ओके आओ भैया एक तो ये वंदे भारत ट्रेन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है तुम्हारे घर के सामने से भी एक रेलवे ट्रैक निकले और वो रेलवे ट्रैक हो वंदे भारत एक्सप्रेस का चलिए बात करते सवाल बताइए द रेलवे विल बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर द रेलवे विल बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वंदे भारत ट्रेन टू द यूरोप बाय विच सवाल में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो बाहर के देशों में क्या बेचेंगे वो वंदे भारत ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसका जो स्ट्रक्चर है इसके जो कोचेज हैं उनको क्या करेंगे बाहर के देशों में बेचेंगे और बेचेंगे भी कहाँ पर बेचेंगे यूरोप साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया के अंदर अब कहा ये जा रहा है कि इंडिया ऐसा कब तक कर पाएगी अब ऐसा तो है नहीं कि कल से ही शुरू हो जाएगा कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा ना कि कब से ये शुरू हो जाएगा तो इसकी शुरुआत होगी दो हजार पच्चीस छब्बीस से कब से दो हजार पच्चीस छब्बीस से इसकी शुरुआत होगी ठीक है हाँ ये समर ने नई वाली इमोजीज़ जो निकालना सीखी है ना चलो पढ़ लो थोड़ा सा आओ भैया ये देखो कितने लोगों ने ट्रैवल किया है इससे एनी वन एनी वन कोई है ऐसा हाँ ओके प्रियांशु <laughs> चलिए करते हैं मुलाकात करते हैं आपसे चलिए वंदे भारत ट्रेन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी देखो पहला पॉइंट वंदे भारत ट्रेन जो है ये आपको तो मिलेगी ट्रेन एटीन के नाम से ठीक है लेकिन अगर हम तेजस की बात करें तो ये जो तेजस है ना ये एक्सप्रेस क्या है ये एक्सप्रेस अलग है वो अलग है ये अलग है फाइन सेकेंड पॉइंट वंदे भारत ट्रेन जो है इनकी शुरुआत कब होती है इनकी शुरुआत होगी फिफ्टी टू थाउजेंड 19 में किसने इसका शुभारंभ किया था मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था अब इसकी अभी तक टोटल पांच चल चुकी हैं वंदे भारत एक्सप्रेस लेकिन आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में ऐसा बोला गया था इस बार के बजट के अंदर कि टोटल चार सौ से भी ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उनको चलाया जाएगा कितनी 400 से भी ज्यादा अब कहा जा रहा है कि चलो ठीक है जो पांच चल चुकी हैं उनके जरा रूट बता दो एक बारी से इनके अगर हम रूट की बात करें तो पहली वाली जो है वो चलेगी कहाँ बनारस और कहाँ चलेगी दिल्ली टू वाराणसी दूसरी कौन सी हो जाएगी दिल्ली टू कटरा हो जाएगी तीसरी कौन सी होगी गांधीनगर टू मुंबई हो जाएगी, जाएगी। चौथी कहाँ चलेगी चौथी होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर और पांचवी वाली कहाँ पर होगी बेंगलुरु से होते हुए चेन्नई टू मैसूर चेन्नई टू मैसूर ठीक है ये पांच रूट यहाँ पे चले फाइन ये वाला जो रूट है इसमें दिक्कत आ गई क्योंकि वंदे भारत जाके लड़ गई राइट उसके बाद में ये वाला जो है ये तो अभी लॉन्च किया गया और ये वाला किसने लॉन्च किया था मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया अब इतनी सारी सुविधाएं तो चली नहीं है अब इसी में क्या हो गया इसी में बोला गया कि आने वाले समय में ये जो वंदे भारत ट्रेन होंगी इसको हम डेवलप करेंगे और साथ ही साथ में अब इसमें क्या होंगे स्लीपर कोचेस भी होंगे अब इसमें क्या होंगे स्लीपर कोचेस जो हैं उनकी शुरुआत भी की जाएगी और ये कब तक बनके तैयार होगा 2024 तक अब स्लीपर कोचेस आने के बाद में इंडिया क्या करेगी यूरोप को और बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी क्या एक्सपोर्ट करेंगे वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट किया जाएगा ठीक है अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये शुरुआत कब से हो रही है तो 2025 से इसकी शुरुआत की जाएगी कब से शुरू होगी 2025 से इसकी शुरुआत की जाएगी चलो तो कौन कौन है भैया जो यहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहा है दबील चौप हाँ अरे वाह बेंगलुरु में बन रहे हैं इसके पहिए है, बिल्कुल सही तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है आप सुनिएगा पहला पॉइंट वंदे भारत शुरुआत कब हो रही है इसकी 2019 में इसकी शुरुआत हो रही है, अगर कहा जाता है कि ये यूपी के अंदर आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है रेलवे बजट के बारे में किसके बारे में रेलवे बजट के बारे में लेकिन यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर नाइनटीन में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है एक्वर्ड कमेटी जिसका नाम है एक्वर्ड कमेटी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1924 में जिसमें बोला गया कि भाई रेलवे बजट जो है और यूनियन बजट ये दोनों क्या होगा अलग अलग आएगा उसके बाद क्या हुआ जब यहाँ पे इस बजट के बारे में कहा गया तो ये बजट क्या हुआ अलग अलग हुआ लेकिन इसके बाद आने वाले समय में 2016 और 17 में ये क्या हो गए दोनों के दोनों मर्ज हो गए रेलवे और प्लस यूनियन हो गया दोनों साथ में आ गए यहाँ पेगी विवेक आएगी और अगर यहां पूछा जाएगा तो यहाँ कमिटी आएगी पहली बार रेलवे बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने प्रेजेंट किया जॉन मिथाई ध्यान दीजिएगा मैंने कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस तो क्या होगा जॉन मिथाई ने प्रेजेंट किया था ठीक है टाइम क्या होगा 1947 का समय आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ट्रेन 1853 के समय पर मुंबई टू थाने मुंबई टू थाने के बीच में इसको चलाया गया था नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या आएगा गतिशक्ति यूनिवर्सिटी गतिशक्ति प्रोग्राम या फिर पी एम गतिशक्ति ठीक है इसमें आपको बताया था कि इसके सात पिलर्स हैं और इस बार के बजट में इसको लॉन्च किया गया ये किसके ऊपर फोकस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेगा फाइन अगला है गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई वडोदरा कौन सी वडोदरा वडोदरा से याद आया आज तो गुजरात में इलेक्शन भी होंगे है भाई क्यों वडोदरा करेक्ट है तो वडोदरा जो है वहां पे आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी कौन सी वाली रेलवे यूनिवर्सिटी यहीं पर आपको मिलेगी फाइन तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे कहा जाए हाइड्रोजन ट्रेन अगर आपसे कहा जाए हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले कहाँ पे चलाई गई तो आप कहेंगे जर्मनी के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि सबसे लंबी ट्रेन पैसेंजर्स वाली ये कहाँ पे चलाई गई तो आंसर आएगा स्विट्जरलैंड कौन सा स्विट्जरलैंड है ना और बस ये बता दो कि इंडिया का स्विट्जरलैंड कैसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हाँ जी इंडिया का स्विट्जरलैंड से कहा जाता है हम सोच रहे हैं यार एकाध चुनाव में हम लोग भी खड़े हो लेते हैं थोड़ा वोट वोट मिलेगा थोड़ा सा कुछ ऐसा कभी कभी कुछ चेंज होना चाहिए आओ भाई सेलिब्रेट करते हैं रेड प्लैनेट डे प्लान कश्मीर नहीं है कुर्ग है मुन्ना कुर्ग कर्नाटका कुर्ग हाँ जी रेड प्लैनेट डे सेलिब्रेट किया गया चलो ये इसको भी जान लेते हैं रेड प्लैनेट डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है नवंबर में देखो एक डेट लिखी है 26 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन डे और इसी के साथ में 26 नवंबर क्या हो जाएगा ये बनेगा मिल्क डे इसमें कौन सा वाला अवार्ड दिया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा अट्ठाईस नवम्बर क्या है अट्ठाईस नवम्बर आइए बात करते हैं नासा 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 नशा नहीं है नासा है थोड़ा ध्यान देना क्या है नासा नासा क्या है ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है अगर हम जेक्सा बोलेंगे तो ये जापान की है रोस्कोमोस की बात होगी तो ये रशिया की हो जाएगी यूरोप की बात होगी तो वो यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी हो जाएगी और इंडिया की बात करोगे तो ये इसरो हो जाएगा है ना नेशनल गोपाल अवॉर्ड करेक्ट है <laughs> चलो तो यहाँ पर ये अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया ने तो अभी हाल में इसका ये रूट को भी क्या किया है टेस्ट किया है ये क्या है एक स्टार्टअप है इनका प्रोग्राम जिसमें था विक्रम एस रॉकेट ठीक है अब नासा ने पहली बार नासा ने पहली बार रेड प्लानिट यानी कि मार्स यानी कि मार्स इसकी खोज जो की थी ना इसकी पहली बार जो खोज की गई थी वो खोज कब की जाती है ये खोज इसकी की जाती है 1964 में कब 1964 में तारीख क्या होगी 28 नवंबर वो तारीख थी इसीलिए इस दिन को नासा क्या सेलिब्रेट करता है रेड प्लैनेट डे क्या मनाता है रेड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो रेड प्लैनेट है या फिर ये जो मार्स है इस पे जो सॉइल पाई जाती है इसके ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है इसका कलर कैसा है रेड है तो ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड जो है वो ज्यादा होगा है ना सेकेंड पॉइंट ये जो मार्स है अगर हम इसको सन की तरफ से देखना शुरू करें तो ये चौथे नंबर का प्लान हो जाता है है ना सन की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये कौन से नंबर का प्लानट है चौथे नंबर का प्लानट है इसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि इसकी जब सबसे पहली बार खोज की गई थी तो कोई ना कोई मिशन भी तो भेजा गया होगा तो पहला मिशन जो नासा के ऊपर सॉरी नासा के द्वारा मार्स के ऊपर भेजा गया 1964 में उसका नाम था मैरिनर वन उसका नाम था मैरिनर वन सबसे पहला मिशन था था जिसे मार्स के ऊपर भेजा गया था। इसने आठ महीने का समय लगाया तब जाके ये कहा पहुंचा मार्स के पास में पहुंचा और मार्स के ऊपर से क्रॉस करते हुए ये गया तो पहली बार ये पहुंचा भी कब तो 1965 में पहली बार ये जाके पहुंचता है और ये मार्स के ऊपर से क्रॉस करता है आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पहला वाला जो मिशन था वो कौन सा वाला था ठीक है किसने भेजा था नासा के द्वारा इसको भेजा गया था आठ महीने का समय लिया था और उसके बाद में ये वहां तक पहुंचा था लेकिन लेकिन ये बताओ इंडिया का भी तो एक मिशन आया था ना मिशन ऑन मार्स याद आया मॉम मिशन पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट याद आया अब सुनिएगा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का एक मिशन जिसे हम कहते हैं किस नाम से मॉम के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है मॉम के नाम से जानते हैं और ये जो मिशन था इस मिशन में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया जो है वो सबसे पहला कंट्री बना था जिसने अपना प्रो लैंड करवाया था कहा पे मार्स के ऊपर लैंड करवाया था किसने मार्स के ऊपर अब ये जो मार्स है या फिर जो मॉम लिखा है मार्स ऑर्बिट मिशन इसका फुल फॉर्म क्या है मार्स ऑर्बिट मिशन ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म इसको भेजा कब गया था आपने मूवी देखी होगी ये जो मंगलयान मिशन गया था ये भेजा कब गया था ट्वेंटी फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन में भेजा जाता है पहुंचता कब है नवंबर में जाके ये पहुंचता है है ना कब पहुंचेगा नवंबर में जाके ये पहुंचता है ठीक अच्छा अब अगर आपसे कहा गया सॉरी अगर आपसे कहा गया पहुंचा कब था तो ये पांच नवंबर 2013 की बात है ठीक है ना 2013 की ये बात है क्या हुआ बेटा बफरिंग हुई क्या बफरिंग तो नहीं हुई है चलो तो यहाँ पे इसको थर्टीन कर लेना ठीक है नवंबर में पहुंचता है सितंबर में इसको भेजा जाता है किसने भेजा था इसरो ने भेजा था कहां से भेजा था सतीश धवन सेंटर से इसको भेजा जाता है सतीश धवन सेंटर ये कहाँ आएगा श्रीहरिकोटा कहाँ आएगा श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा पर आंध्र प्रदेश के अंदर और यहां पे क्या लॉन्च किया गया अग्नि कुंड यहाँ पर क्या लॉन्च किया गया है अग्नि कुंड ये क्या है ये इंडिया का प्राइवेट प्राइवेट लॉन्चिंग पैड है क्या है प्राइवेट लॉन्चिंग पैड है जिसको लॉन्च किया गया है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है फाइन चलो अब यहाँ पे जरा प्लानिट के बारे में बताना शुरू करो आपका प्लानिट कौन सा है आपके बर्थ के हिसाब से जरा एक बाली से बचाना चो तब तक हम यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन सुनिएगा सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है कि ब्राइटेस्ट प्लान कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो वो हो जाएगा वीनस वीनस के लिए नासा अपना एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या होगा शुक्र यान क्या है शुक्र यान ये मिशन लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा सबसे छोटू प्लैनेट कौन सा होगा तो ये है स्मॉलेस्ट वन और अगर सबसे लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो कौन सा है तो हो जाएगा जुपिटर क्या है जुपिटर नेक्स्ट है कि सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कौन सा होगा तो ये हो जाएगा डेमोज कौन सा है डेमो किसका है ये मार्स का है और फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है तो वो है ये तो बातें तो मैं पता ही होंगी इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको ना पता हो है ना नेक्स्ट पॉइंट पे आइए जब भी हम प्लानिट्स की बात करेंगे तो ये याद रखना कि प्लैनेट्स में जो प्लूटो है इसे हम अब डॉल प्लानट के नाम से जानते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सब चीजें जो होती हैं वो प्लानट कौन डिसाइड करेगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कौन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो इस चीज को डिसाइड करती है प्लैनेट्स में जब हम जुपिटर की बात कर रहे हैं सैटर्न की बात कर रहे हैं तो जो सैटर्न है शनि जिसे हम कहते हैं एक तो लिब्र जो होते हैं ना मतलब जो तुला राशि वाले होते हैं उनके जीवन में से शनि कभी जाते ही नहीं है अगर गलती से मैंने कभी पूछा और मम्मी शनि मनी कब खत्म हो रहा है बेटा अभी अगले साढ़े सात साल उसके अगर साढ़े सात साल बाद भी अगर आप पूछने जाओगे कब खत्म हो रहा है तो फिर वो और एक्सटेंड हो जाता है मतलब उसे ये राशि इतनी अच्छी लगती है कि कोई क्या बताए है? है ना राशि का मतलब राशि भी इसको बड़ी पसंद है तो जब हम शनि की बात करते हैं तो इसके सबसे ज्यादा उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे यानी कि जो प्लानट है इसकी जो नेचुरल सेटेलाइट है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी और कितनी देखने को मिलेंगी एटी टू कितनी एटी टू आपको यहां पे नेचुरल सेटेलाइट देखने को मिलेंगे ठीक है अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ वीनस और वीनस, यूरेनस इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है क्लॉक होता है या एंटी क्लॉक होता है बताइए अभी रुको बता रहे हैं एक सेकेंड एक सेकेंड कहां चला गया कमेंट आ... हाँ बिल्कुल सोनम मैं वही सोच रही थी कोई बोल क्यों नहीं रहा से हाँ भाई इसका डायरेक्शन कैसे होगा देखो बाकी जो है वो तो वेस्ट टू ईस्ट आएंगे बट ये उल्टा आएगा ये कैसा आएगा उल्टा आएगा ठीक है हाँ एक पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान ये और अगर ये नाम अच्छा ना लग रहा हो तो इसको रख लेना पक्कू शरीफ स्पेस एजेंसी ठीक है आप ऐसे अगर मन करे तो ऐसे कर लीजिएगा हमने तो रखा है पक्कू शरीफ स्पेस एजेंसी ठीक बा चलो तो ये तो हो गया रेड प्लैनेट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में मार्स के बारे में आइए जरा चलते हैं आगे ये देखो एक तो वैसे ही एक तो वैसे ही इतने सारे वायरसेस के बारे में पढ़ते रहते हैं अब पे जो वायरसेस हैं उनके नामकरण भी हो रहे हैं हाईली इंस्पायर्ड बाई यूपी है ना हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारी जगह के जो नाम है वो बार बार चेंज होते रहते हैं तो मंकी पॉक्स डिजीज का भी जो नाम है वो बदल गया चलिए जानते हैं मंकी पॉक्स जो है इसका नाम अब माइ पॉक्स हो गया या फिर एम पॉक्स हो गया है ये नामकरण किसके द्वारा किया गया तो ये नामकरण किसके द्वारा होगा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा किया गया किसके द्वारा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा किया गया आइए जानते हैं भाई क्यों किया गया व रीजन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है यह हो जाएगा 7th of April को बनाया गया 1948 में ये अपना काम करना शुरू करता है अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है तो हेल्थ डे भी सात अप्रैल को ही मनाया जाता है हेल्थ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी लिस्ट में आएगा तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर रखा जाता है हेल्थ की जब भी बात आएगी तो इसके लिए जो भी लॉज होंगे वो कौन बनाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है इसके हेड कौन हो जाएंगे टेड्रोज अंकल जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति हैं वो कौन है वो है टेड्रोज अंकल अब अभी तक क्या हो रहा था कोविड से परेशान थे कोविड 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 है ना अब क्या हुआ है जो मंकी पॉक्स है इसका नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम क्या हो गया एम पॉक्स ऐसा क्यों किया गया ऐसा क्यों किया गया सुनिएगा जब हम मंकी पॉक्स की बात करेंगे तो ये जो डिजीज है ये जो डिजीज है ये बिल्कुल कैसी होती है स्मॉल पॉक्स की तरीके से ही होती है किसकी तरीके से होती है स्मॉल पॉक्स की तरीके से होती है सेकेंड पॉइंट क्या है इसको जब सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था तो पहली बार 1958 में ये मंकी के अंदर पाया गया था उसके बाद में 1970 आते आते इसे एक बीमारी डिक्लेयर किया गया था और बताया गया था कि ये एक तरीके का क्या है वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होगा और ये जोनोटिक है क्या है ये जोनोटिक है जोनोटिक का मतलब क्या है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो गया क्या जोनोटिक हो गया ये नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या हुआ कि भैया ये जोनोटिक है ये सब चीजें तो चलो ठीक है लेकिन अब क्या हो गया है अब बोला गया है कि हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं तो भाई पूछा गया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं तो इन्होंने बताया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन है उसका रीजन ये है कि लोग जो है जिनको मंकी पॉक्स हो जाता है उनको चिढ़ाते हैं उनके साथ में भेदभाव करते हैं उनको बुरा भला कहते हैं तो इस चीज से क्या होता है यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है कि आप सोसाइटी के अंदर रहते हुए किसी को भी आप बुरा भला नहीं कह सकते हो है ना तो ये यह जो यहाँ पे ऐसी भावनाएं लोगों के बीच में आ गई है इस भावना को चेंज करने के लिए इन्होंने नाम को क्या कर दिया चेंज कर दिया और वो क्या हो गया एम पॉक्स हो गया आप कहेंगे मैम इसके ऊपर भी करंट अफेयर्स बना दिया हाँ भैया हाँ छह जुलाई को बिल्कुल सही बात है जोनोटिक जुनौ... डे जो है वो 6 जुलाई को ओके okay. तो यहाँ पर इसलिए इसका जो नाम है वो बदला गया है फाइन पहली बार इसके जो केसेस हैं वो कहाँ पे पाए गए थे अफ्रीका के अंदर पाए गए थे और अभी हाल ही में इसके जो वेरिएंट्स हैं वो भी सुनने में आए थे वेरिएंट्स क्या था क्लैड वन क्लैड टू क्लैड टू, टू ए क्लैड टू बी ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स भी सुनने को आए थे फाइन तो यहाँ पर क्या है मंकी पॉक्स का जो नाम है वो चेंज किया गया आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी के खांसने की वजह से हाथ मिलाने की वजह से या फिर उनके कपड़ों को टच करने की वजह से या फिर रिलेशन में आने की वजह से इन सब चीजों की वजह से ये एक से दूसरे में भी ट्रांसफर हो जाता है ठीक है चलिए अब बात करेंगे हाँ बस हाँ 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 सुनिएगा ध्यान से अब मंकी पॉक्स की तो बात हो गई राइट अब आप मुझे बताइए कि कोविड के लिए कोविड के लिए इंडिया ने जो नेजल वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइए सेकंड पॉइंट मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए ब्रिटेन के अंदर तीसरा पॉइंट इंडिया में मंकी पॉक्स का जो सबसे पहला केस पाया गया वो कहा केरला के अंदर और सबसे पहली डेथ भी कहाँ पे हुई केरला के अंदर लेकिन अगर हम कोविड की बात करें तो सबसे पहला केस तो केरला के अंदर लेकिन होगी कर्नाटका के अंदर कहाँ होगी कर्नाटका के अंदर होगी हाँ कहां रह गए भैया इन वो बैग अच्छा इन वो चलो बहुत बढ़िया किसने बनाया है भारत बायोटेक ने किसने बनाया है भारत बायोटेक के द्वारा इसको बनाया गया है भारत बायोटेक जो है ये कहाँ पे है दिस इज इन हैदराबाद कहाँ है हैदराबाद के अंदर है हैदराबाद क्यों जाना जाता है एक तो ट्री सिटी हो गया और दूसरा वैक्सीन सिटी हो गया बट मेहरबानी करके इसको हेल्थ सिटी मत कह दीजिएगा गलत हो जाएगा दिस इज नॉट द हेल्थ सिटी हेल्थ सिटी कौन सा होगा चेन्नई होगा हेल्थ सिटी कौन सा होगा चेन्नई जो है वो हेल्थ सिटी कहलाएगा तो ये तो हो गई मंकी पॉक्स के बारे में बातें कि भैया नाम चेंज हो रहा है लेकिन एक्चुअल में ये व्यक्ति है कौन जिसने हमारे लिए करंट अफेयर्स बढ़ाया ये है कौन ये भी तो जानो ना जैसे जब इंग्लिश की बात आती है तो आप ढूंढने लगते हो कि इंग्लिश किसने शुरू की थी वैसे ये जो नामकरण किया ना उस व्यक्ति का भी तो नाम जानिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऐसा कहा था कि भैया ऐसा कर दो उसका नाम है रेजो फाउंडेशन नाम लिख लीजिएगा इनके द्वारा ऐसा बोला गया क्या नाम है इनका रेजो फाउंडेशन इन्होंने यहाँ पे सारा का सारा करंट अफेयर्स बढ़ा दिया ठीक है आप सुनो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया के अंदर लंपी डिजीज भी चल रही है ये जो लंपी डिजीज है ये क्या होती है ये आपको किस में मिलेगी गाय वगैरह में देखने को मिलती है लंपी डिजीज में क्या होता है कि जो वायरस होता है उससे क्या होगा बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से, उस से खून निकलने लगता है किसमें ये गाय वगैरह में है ना तो अब क्या हुआ है एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया ध्यान से सुनिएगा अब क्या हुआ है एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल छह सेंटर बनाए गए हैं जिसमें से कल जो इनोग्रेट हुआ है वो बेंगलुरु के अंदर इनोग्रेट किया गया क्या है ये क्वारंटाइन सेंटर इंसानों के लिए नहीं है मुन्ना इंसानों के लिए नहीं है किसके लिए है इनके लिए है समझ रहे हो ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइंस बनाए गए हैं ये क्वारंटाइंस कहाँ बनाए गए हैं बेंगलुरु के अंदर बनाए गए किसके लिए बने हैं ये यहाँ पे काउ के लिए बनाया गया क्यों बनाया गया क्योंकि जो लंपी डिजीज फैल रही है उससे क्या करना है बाकी एनिमल्स को बचाना है इसके लिए इसको बनाया गया आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट जो हैं वो जान लेते हैं पहला पॉइंट क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हजबेंड्री मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हजबेंड्री इनके द्वारा एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाए गए टोटल कितने छः कल जो लॉन्च किया गया है वो कौन सा वाला है वो हो जाएगा बेंगलुरु वाला ये किसके लिए बनाया गया एनिमल्स के लिए बनाया गया कहाँ कहाँ पे और होंगे ये दिल्ली मुंबई देखो ये तो होना ही होना है दिल्ली मुंबई तो होता ही होता है फिर आ जाएगा कोलकाता चेन्नई और क्या आएगा बेंगलुरु एक हो गया एक बचा हैदराबाद ओके ये वो जगह है जहां पे इन सेंटर्स को खोला जाएगा रीजन क्या है रीजन यहाँ पे जो बीमारी फैल रही है लंपी डिजीज जो फैल रही है इससे क्या करना है इससे बचाव पहुंचाना है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए नेशनल गोपाल अवार्ड जो अभी हाल ही में दिया गया किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हजबेंड्री के द्वारा ये अवार्ड किसको दिया गया है नेम द पर्सन ये अवार्ड किसको दिया गया है वाह 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 गजब के आंसर करते हो कभी कभी ये नाम बताइए किसको दिया गया है डॉक्टर संजीव अः हाँ हा, सही कह रहे हो डॉक्टर संजीव ओके चलिए ये लो भैया एक और वर्ड ये तुम्हारे मतलब का है ये तुम्हारे मतलब का अच्छा ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हिपोटाइज होते हुए लोगों को देखा है हिपोटाइज होते हुए लोगों को देखा है कुछ दिन पहले अन अकेडमी का भी एक प्रोग्राम हुआ था वहां पे भी आपने देखा होगा कि एक ऐसा शो भी हुआ हुआ था ओके okay. अब क्या हुआ है यहां पे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ल्ड आ गया है वर्ल्ड ऑफ द ईयर सवाल सवाल में कहा जा रहा है मरियम वेबस्टर ये जो डिक्शनरी है इस डिक्शनरी का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है वो क्या है गैस लाइटनिंग गैस लाइटिंग से बिल्कुल भी मतलब नहीं है पेट खराब होना पहले तो ये समझो क्योंकि तुम लोगों की अंग्रेजी जो है वो कभी कभी सातवें आसमान पर होती है तो इसका कोई मतलब नहीं है पेट खराब होने से क्या है गैस लाइटनिंग है ये इस बार का वर्ल्ड ऑफ द ईयर है सवाल में कहा जा रहा है कि ये डिक्शनरी कहाँ की है सवाल में कहा जा रहा है ये डिक्शनरी कहाँ की है जल्दी से लिख के बता दो ये डिक्शनरी कहाँ की ब्रिटेन यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये तो नहीं है ये तो नहीं है तो इसका आंसर क्या है यूएस है कहाँ की डिक्शनरी है ये यूएस की डिक्शनरी है आइए जरा बात करते हैं यहाँ ध्यान बाद में देना पहले यहां ध्यान देना वर्ल्ड क्या है गैस लाइटनिंग क्या मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग पे कंट्रोल करने लगे जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग के साथ खेलने लगे जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही हैं उन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालने लगे उसे हम कहते हैं गैस लाइटनिंग एक्समैन रेवोल्यूशन मूवी देखी है उसमें आपने देखा होगा एक कैरेक्टर है जीन वो जैसे ही जिसको भी टच करती है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है देखा है तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर है मरियम वेबसाइट डिक्शनरी के हिसाब से इस बार का जो टर्म है वो क्या है गैस लाइटनिंग है और यहाँ पर ये यह शब्द जो है बहुत बार सर्च किया गया है ये शब्द जो है बहुत बार शब्द जो है वो क्या हो रहा है सर्च किया जाता है उसी को यहाँ पर ये यह दिया जाता है भाई अच्छा अब यही शब्द क्यों बाय दिस शब्द तो देखो इसी नाम से आपको एक प्ले भी देखने को मिलता है गैस लाइटनिंग के ही नाम से आपको एक प्ले भी देखने को मिलेगा इसके ऊपर दो मूवीज भी बनाई गई हैं और ये जो प्ले है ये प्ले किसका है तुम्हारे पेपर में ये पूछा जा सकता है पेट्रिक हेमिल्टन लुइस हेमिल्टन का भाई होगा क्या नाम है पैट्रिक हेमिल्टन है ना ये नाम याद रखना फाइन अच्छा एक सेकेंड हाँ सारा कॉन्सेंट्रेशन तो फोटो के ऊपर चला गया अच्छा एंट्री होने वाली है ओके 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 भाई जित्तो का पेपर है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही बैग ही बैग उठाते सबसे पहले मेरे पास सवाल भेज दियो ठीक है सवाल जरूर से भेज देना ओके तो यहाँ पर इनके द्वारा प्ले लिखा गया था वो हो गया अच्छा ठीक है अब ऑक्सफोर्ड के वर्ल्ड की अगर बात कर ले पिछले बार ऑक्सफोर्ड का जो वर्ल्ड आया था उसमें आपने देखा था क्या था वैक्स और छोटे बच्चों के लिए यानी कि चिल्ड्रंस के लिए जो टर्म था वो कौन था एंजाइटी एंजाइटी वैसे भी जिन लोगों का आज पेपर है उनको ज्यादा हो रही होगी यहाँ पे जो टर्म था वो क्या था एंजाइटी था फाइन लेकिन इसी में एक और शब्द भी आता है जिसे हम कहते हैं मून लाइट मूल लाइट का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा की सुहानी सिरात है और उसमें वहां पे डांस कर रहे हैं दैट इज नॉट मून लाइट ये जो मून लाइन शब्द होता है इस शब्द का मतलब होता है कि आप जब किसी से छुपा के कोई काम कर रहे होते हैं है ना जैसे कि मान लो कि मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ कोई कंपनी मुझे पैसा पे कर रही है लेकिन रात में उस कंपनी से छुपा के हम किसी और के लिए भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे मून लाइटनिंग कहेंगे ठीक है और यहीं पर जब ये झूठ वूट की बातें आती हैं कि भाई कौन कितना झूठ बोल रहा है कैसे पता चलेगा तो इसके लिए होता है नार्को टेस्ट ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो श्रद्धा वाला अभी केस चल रहा है वहां पे आपने सुना होगा कि नार्को टेस्ट जो है वो किया जाएगा बट ध्यान दीजिएगा कि नार्को टेस्ट के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ये ही अलाउ नहीं है कि किसी का भी नार्को टेस्ट हो जाए ऐसा नहीं होता है नार्को टेस्ट जो है वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार है ना तो ये ध्यान दीजिएगा कि नार्को टेस्ट जो है वो श्रद्धा वाले केस में कंडक्ट किया जा रहा है अब ये यहाँ पे क्या है क्या नाम था आफ्ताब है ना यही नाम है ना शायद तो इनका भी क्या हो गया भैया इनका भी अभी नारको टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया इसमें क्या होता है एक मेडिसिन दी जाती है कहेंगे मैम कौन सी मेडिसिन है मैम आज वो मेडिसिन ही आप बता दो है ना इसमें क्या होती है एक मेडिसिन दी जाती है इसका नाम है सोडियम बता दो क्या हुआ दश्या मूवी अब भाई मेरे को ना पता दश्या मूवी के बारे में सोडियम पेंटाथोल चलो बता दिया मैंने यहां पर ये एक जो दवाई है वो दी जाती है जिसके बाद में क्या होता है इंसान नींद के फॉर्म में चला जाता है और वो सच्चाई जो है वो बोलना शुरू कर देता है जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हमारी बॉडी में से सोडियम जो है जब वो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है फिर इंसान कुछ भी बड़बड़ाता है कुछ भी कहता है उसको सेंस ही नहीं रहता है तो यहाँ पे इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या है ये हो गया है आपका वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या हो गया वर्ल्ड ऑफ द ईयर गैस लाइटनिंग इसको याद रखना वन लाइनर में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है आओ भाई बिहार बिहार का पहला पेपरलेस चलिए सुनिएगा कहा जा रहा है सहरसा ये बना है बिहार का सबसे पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट और ये जो पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ पे शुरुआत होगी किसकी ई e ऑफिस की क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से राज्य में आपको तो देखने को मिलेगा तो ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर कहा मिलेगा बिहार के अंदर अब जरा सुनिएगा अगर आपसे कहा जाता है ई विधानसभा ई विधानसभा तो ये कहा हो गया नागालैंड हो गया अगर आपसे कहा गया डिजिटल विलेज डिजिटल विलेज तो ये हो जाएगा केरला के अंदर उसके बाद में क्या होगा पेपरलेस गवर्नमेंट पेपर लेस गुबई की हो जाएगी नेक्स्ट हो जाएगा कि जो ये आपके वगैरह होते हैं तो हाई ये कहां, का होगा केरला का होगा लेकिन अब क्या हो गया एक डिस्ट्रिक्ट जहां पे आएगा ई ऑफिस इसका मतलब क्या होता है ई ऑफिस का मतलब क्या होता है आज तारीख क्या है एक तारीख है पच्चीस तारीख आएगी पच्चीस तारीख को कौन सा दिन मनाते हो बताना तो ये मत क्या ना क्रिसमस डे वो तो मनाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में क्या होता है गवर्नेंस डे मनाते हैं क्या मनाते हैं गवर्नेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो सुनिएगा गवर्नेंस <coughs> को बेहतर करने के लिए गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए बेटर करने के लिए और जो ये रेड टेपिज्म होता है क्या होता है रेप टेपिज्म होता है इसको कम करने के लिए शुरुआत की गई है ई ऑफिस की यानी कि सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है सारा का सारा जो पेपर वर्क है अब वो किस में होगा वो अब ऑनलाइन फॉर्मेट में किया जाएगा कहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है तो शहरशाह नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर यहाँ पे शुरू हुआ है और ये बना है सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कहाँ का बिहार का अब आप कहेंगे मैम ये रेड टेपिज्म क्या होता है वॉट डू मीन बाय दिस रेड टेपिज्म क्या होता है बेटा रेड टेपिज्म का मतलब होता है कोई फाइल है एक टेबल से दूसरी टेबल दूसरी टेबल से तीसरी टेबल तीसरी से चौथी चौथी से पांचवी फिर छठी सातवीं ऐसे ऐसे वो टेबल पे क्या होता है बेचारी जो फाइल है ना वो घूमती रहती है और कुछ दिन बाद वो फाइल फाइल सुसाइड सुसाइड कर कर लेती है। कर लेती है है इसलिए कि भैया जब मेरा नंबर आ ही नहीं रहा है तो मैं घूम घूम के घूम घूम के मुझे चक्कर आ गया मैं थक गई तो रेड टेपिजम का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो ये रेड टेपिज्म है ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जिसकी वजह से क्या होता है हर एक प्रोसीडिंग में हर एक प्रोसेस में हर एक काम में ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बर्बाद हो जाता है जिसकी वजह से जिस काम को जिस समय पर होना चाहिए था वो काम उस समय पर नहीं हो पाता तो ये जो देरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं लाल पीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म के नाम से इसको जाना जाता है अगर नॉर्मल बेसिस पे हम देखें तो गवर्नमेंट वर्क जो होते हैं उसके अंदर ये बहुत ही कॉमन है बहुत ही कॉमन है अब ये मत कहना है यहाँ एस का नाम ले लो है ना हाँ करेक्ट बर्थ एनिवर्सरी पे करेक्ट करेक्ट है तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना ये यहाँ पे क्यों किया गया रेड टेपिज्म को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ई e ऑफिस का इस्तेमाल किया जाएगा ये ई e ऑफिस का जो इनिशिएटिव है ये जो ई e ऑफिस का इनिशिएटिव है ये एक्चुअल में सबसे पहले शुरू कब होता है 2009 में इसकी शुरुआत होती है केरला के अंदर जो इदुकी है केरला के अंदर जो इदुकी है वो पेपरलेस बना कब 2012 में और हैदराबाद जो है वो पेपरलेस बना कब दो हजार सोलह में तो तीनों में से कुछ भी आ सकता है बिहार केरला एंड हैदराबाद तीनों में से कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है ठीक अच्छा. है चलिए अच्छा बताना शुरू करना भैया बिहार के बारे में जितनी बातें तुमको मालूम है सब बताना चालू करो सबसे पहला पॉइंट बिहार जब भी आएगा तो भाई पटना तो आने ही आना है और जो रिवर आएगी वो रिवर कौन सी है गंगा और यहाँ पे आएगा हर घर गंगा जल योजना कौन सी योजना हर घर गंगा जल योजना ये लॉन्च की गई है फाइन नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा डॉल्फिन का कंजर्वेशन सेंटर जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है नेक्स्ट पॉइंट जब भी हम बिहार चलेंगे मतलब बिहार की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब होगा यानी कि बिहार दिवस कब होगा तो ये होगा 22 मार्च को Year क्या होगा 1912 जो है वो इसका ईयर हो जाएगा नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी 243 होंगी अगर हम लोकसभा और राज्यसभा का रेशियो देखें तो ये कितना होगा 40 और 16 का रेशियो होगा यहाँ के सीएम कौन है आठ बार नीतीश कुमार जी कौन है नीतीश कुमार जी नेक्स्ट है इनका अपना खुद का हाईकोर्ट भी है पटना हाईकोर्ट भी है और सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहा सीतामढ़ी के अंदर लगाई जाएगी कहाँ पर मणि के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा अगला हो जाएगा महाबौदि टेम्पल महाबोद्धि टेम्पल ये आपको कहाँ मिलेगा ये आपको मिलेगा बिहार में और अगर आपसे कहा जाए कि गौतम बुद्ध जी का लेटा हुआ एक स्टेचू क्या लेटा हुआ एक स्टेचू ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तो ये भी बिहार के अंदर ही हो रहा है नेक्स्ट आएगा मधुबनी पेंटिंग नेक्स्ट क्या आएगा मधुबनी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग जो है ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल की गई है यहाँ पे भाषा कौन सी हो जाएगी मैथिली भाषा भोजपुरी तो है ही बट मैथिली भाषा कौन सी है मैथिली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बोली जाती है बाकी यहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है यहाँ पे जो लेख आपको तो मिलेगा वो कौन सा होगा कन्वर्टे कौन सा लेक है कन्वर लेक आपको मिलेगा रिवर्स कौन कौन सी हो जाएंगी तो गंगा तो है सोन आएगी कोसी रिवर आएगी और गंडक रिवर आएगी ये रिवर्स आपको यहाँ पर मिलती हैं कोसी रिवर को कहा जाता है सौरव बिहार क्या कहते हैं सौरव बिहार के नाम से इसको जाना जाता है बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है यहीं पर आप देखेंगे तो आपको कुछ फेस्टिवल कुछ पूजा भी मिलती है तो बिहूला फेस्टिवल बिहूला फेस्टिवल एंड छठ पूजा एंड छठ पूजा ये दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे जाट ना 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 ना। जाट डांस फॉर्म जाट जाट डांस फॉर्म ये भी आपको यहीं पर मिलेगा झुमेरी डांस फॉर्म झुमेरी डांस फॉर्म आज से एसएससी सी ऐसे ऐसे सवाल निकाल निकाल के पूछेगा ना इसीलिए ये निकाल निकाल के पॉइंट बता रहे हैं तो इनको अच्छे से याद रखना एक एक पॉइंट जरूर हाँ रबर ब्रिज फालतू रिवर गजब मुन्ना गजब तो ये सब बातें जो है आपको पता होनी चाहिए आओ भैया चले अपमेंट न्यूज के बिना आज का दिन अधूरा था जानते हो बताओ हु कमिश्नर तो बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी के अंदर पहली बार किसी वुमेन को एज अ पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है आप लोगों को ये बात शायद पता होगी या फिर यूपी में जो लोग रहते हैं उन्हें शायद ये बात पता होगी कि यूपी में अभी काफी सारे कमिश्नरेट बना दिए गए हैं ठीक है अब ये क्या होता है और ये कौन है इनके बारे में जरा जानते हैं इनका नाम क्या है लक्ष्मी सिंह इनका नाम क्या है लक्ष्मी सिंह ओके आइए जरा इनके बारे में बात करें देखिए, पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यूपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल सात कमिश्नरेट हो गए पहले कितने थे पहले तीन थे गाजियाबाद आगरा और प्रयागराज था अब यहाँ पे और कमिश्नरेट जो है उनको जोड़ दिया गया मतलब चार इसके अंदर और जुड़ गए ये जो चार जुड़े हैं इसमें गौतम बुद्ध नगर भी है गौतम बुद्ध नगर भी है लखनऊ भी है वाराणसी भी है और कानपुर भी है हाँ जी कानपुर भी जो है अब वो भी कमिश्नरेट हो चुका है तो यहाँ पे टोटल यूपी में सात कमिश्नरेट हो गए अब यहाँ पे क्या हुआ एक अपॉइंटमेंट किया गया कहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह जी का अपॉइंटमेंट किया गया और ये बन गई यूपी की पहली विमेन पुलिस कमिश्नर किसकी जगह पे आलोक सिंह जी की जगह पे किसकी जगह पे आलोक सिंह जी की जगह पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट ठीक है ये ध्यान दीजिएगा ये किस रूप में आई है नोएडा पुलिस चीफ के रूप में यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है तो ये अपॉइंटमेंट हो चुका है ठीक वन लाइन में ये आपसे पूछा जा सकता है इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा हाँ जी बताए यूटा डी वन ये कौन सी नई बला है यूटा डी वन क्या है ये डेटा को स्टोर करने के लिए एक अभी जगह बनाई गई पर नोएडा के अंदर कहा नोएडा के अंदर अगला है तराई एलिफेंट रिजर्व ये एलिफेंट रिजर्व जो है ये इंडिया का टोटल थर्टी थ्री एलिफेंट रिजर्व हो चुका है कहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे दुधवा पीलीभीत इन दोनों की लोकेशन आपको मिलेगी लखीमपुर खीरी में। अगला है चौथा टाइगर रिजर्व यूपी का कौन सा बना है इंडिया का तो फिफ्टी थर्ड है यूपी का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा तो यूपी का कौन सा हो जाएगा रानीपुर है हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में और ये क्या हो गया ये बन गया है यहाँ पे चौथे हाँ चौथे नंबर का अगला है अमृत सरोवर ये क्या है ये छोटे छोटे से तालाब यहाँ पे छोटे छोटे से लेक्स बनाए गए जिसके अंदर यूपी में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है अब आप मुझे ये सारे के सारे नाम बताओ पहला पॉइंट है रिवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है रिवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट कौन हो जाएंगे संजय मल्होत्रा कौन होंगे संजय मल्होत्रा नेक्स्ट पे आइएगा कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है ये नाम भी मैंने आपको कल ही बताया था कैबिनेट सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे राजीव गुआबा कौन है राजीव गुआबा अगला है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्रमोद कुमार मिश्रा कौन है प्रमोद कुमार मिश्रा जी अगला होम सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे तो होम सेक्रेटरी बनेंगे अजय कुमार भल्ला कौन है अजय कुमार जी अगला नाम कौन सा है फाइनेंस सेक्रेटरी अगला नाम फाइनेंस सेक्रेटरी ये कौन होगा टीवी सोमनाथन कौन है टीवी सोमनाथन ओके टीवी सोमनाथन अच्छा अगला है डिफेंस सेक्रेटरी कौन है भाई डिफेंस सेक्रेटरी कौन हो जाएगा आराम आने गिरिधर क्या नाम है तुम लोग का बस नहीं चलता वरना कसम से बता रहे कॉपियां भी तुम लोग मेरे घर पे कोरियर करवा दो और कह दो कि मैम नोट्स बना दो तो। हाँ हाँ। कह रहा है कि मैम नाम पूरा पूरा लिख दीजिए बात करते हो अगला बताओ फॉरेन सेक्रेटरी अगला नाम बताओ फॉरेन सेक्रेटरी कौन है विजय मोहन जिनका अभी हाल ही में टेनोर बढ़ाया गया है ठीक है कौन है विजय मोहन अगला नाम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कौन बनेंगे भैया वी अनंथा कौन है वी अनंथा और आखिरी नाम लिखा हुआ है सॉलिसिटर जनरल ये कौन हो जाएंगे ये एडवाइजर हैं किसके एडवाइजर होते हैं अटोर्नी जनरल के एडवाइजर होते हैं ये कौन है प्रेजेंट टाइम पे तो ये हो जाएंगे तुषार मेहता कौन है तुषार जी है ठीक बा चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई स्पोर्ट्स न्यूज जो कि आपकी वन लाइनर न्यूज है न, फीफा 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 हाँ जी फीफा के अंदर पहली विमेन रेफरी देख रहे हैं फीफा के अंदर पहली विमेन रेफरी आप लोगों के कुछ दिन पहले सुना होगा आ, क्रिकेट के अंदर जी लक्ष्मी जी का नाम आपने सुना होगा और वो क्या बनी थी वो बनी थी क्रिकेट के अंदर सबसे पहली विमेन रेफरी उसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने क्या है हु हैज सेट द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ फर्स्ट फीमेल रेफरी इन मेंस वर्ल्ड कप गेम फीफा के अंदर इनका नाम क्या है स्टेफनी देखो तो ये कहां से हो जाएंगी है इनका नाम तो ये फ्रांस से हो जाएंगी कहां से बिलोंग करती है फ्रांस से कौन से स्पोर्ट्स की बात हो रही है फीफा की बात हो रही है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा जियोरेज के अंदर है अभी फीफा कहां पर हो रहा है तो ये फुटबॉल फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ हो रहा है कतर की कैपिटल दोहा में और यहाँ पे किस चीज का खतरा मंडरा रहा है कैमल फ्लू का किसका खतरा है कैमल फ्लू का खतरा चल रहा है तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया और ये बन गए हैं फर्स्ट फीमेल रेफरी नाम याद रखिएगा इनकी कंट्री कौन सी है ये भी याद रखिएगा हुआ क्या जर्मनी और कोस्टा रिका का मैच हो रहा था मैच किसका है जर्मनी और कोस्टा रिका का जो मैप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इसी में इन्होंने क्या किया है इन्होंने अपना योगदान दिया जिसकी वजह से ये बन गई फर्स्ट फीमेल ओके सेकेंड पॉइंट अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो फीफा है फीफा है जो ये लोग जो यही पे लिख के बता रहे फीफा जो है ये अगला वाला जो होगा मतलब चार साल के बाद जब अगली बार होगा तो ये यूएसए कनाडा, मैक्सिको ये सब मिलके इसका आयोजन करेंगे क्या करेंगे ये सब मिलके इसका आयोजन करेंगे ठीक है उसको देखो राइट right. चलिए तो ये तो हो गई न्यूज आखिरी वाली है भाई तालियां बजनी चाहिए और सेशन को एक बार लाइक तो करना बनता है है ना तो करना बनता है ये ये कौन है ये हैं आप सब की फेवरेट जिनका नाम है अवनी लखेरा कौन है अवनी लखेरा कितने लोगों की फेवरेट है हाउ मेनी ऑफ यू कितों की फेवरेट है आइए जानते हैं भाई क्या हुआ है सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसको दिया गया तो ये अवार्ड गया है अवनी लखेरा को किसको अवार्ड गया है अवनी लखेरा को यहाँ पे एक नाम लिखा है देवेंद्र झजेरिया इनका जो नाम है वो जेबलाइन थ्रो के साथ में जुड़ा हुआ है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद है भाविना पटेल कौन है भाविना पटेल जरा मुझे बताइए कि इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है अगला नाम है दीपा मलिक अगला नाम है दीपा मलिक अभी हाल ही में कमिटी के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है आपसे कहा जा रहा है कि ये बताओ भैया ये अवार्ड किसको मिला? तो ये अवार्ड अवनी लखेरा को मिला है ठीक है इनका नाम लिख लेना भाविना पटेल टेबल टेनिस ठीक है टेबल टेनिस और अगर आपसे पूछा जाए पूजा पटेल अगर आता है पूजा पटेल तो इनका नाम योगा क्या योगा से जुड़ा हुआ है अब देखिए यहाँ पे अपनी अबीरा जिनका नाम जुड़ा है शूटिंग के साथ में और इन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर कितने मेडल जीते थे दो मेडल जीते थे जिसमें से एक तो भैया गोल्ड मेडल ही था दो मेडल जीते थे सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब अब सुनना अगला वाला पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग है इनको तो अवॉर्ड मिला ही और ये क्या है एम्बेसडर भी है किसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी ये क्या है एम्बेसडर भी है कहाँ पर राजस्थान के अंदर कहा राजस्थान के अंदर लेकिन यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया है इसमें एक इम्पोर्टेंट अवॉर्ड दिया गया कि कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम करता है पेपर में ये आएगा ठीक है ओडिशा स्टेट कौन सा है ओडिशा स्टेट है ठीक दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा सरकार तलवार क्या नाम है दूसरा नाम आएगा सरकार तलवार इनका नाम जुड़ा हुआ है क्रिकेट से इन्होंने रंजी ट्रॉफी खेली हुई है इनका नाम जुड़ा है क्रिकेट के साथ में इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये भी याद रख लीजिएगा कि स्टेट कौन सा है तो स्टेट हो जाएगा ओडिशा स्टेट कौन सा हो जाएगा ओडिशा स्टेट यहाँ पे आपको मिलेगा ठीक है यहाँ पे मैंने लिए आपका जो मतलब अभी लेटेस्ट वाले वॉच है उसकी एक लिस्ट यहाँ पे मैंने रखी हुई है हाँ अब सारा कॉन्सेंट्रेशन उसके चश्मे के ऊपर ही आ गया सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत् थाउजेंड ट्वेंटी टू मिला है शरद कमाल को इनका नाम भी जुड़ा है किसके साथ टेबल टेनिस के साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे अगला क्या है ग्लोबल किसको केरला को लेकिन आने वाले समय में कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला जो स्टेट है जिसको अवॉर्ड मिलेगा वो कौन सा है वो है वेस्ट बंगाल अगला है यूके रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये अवार्ड तो हाँ किसने आला इन्होंने अनाउंस किया था वैनकी की कृष्णन जी को ये कहाँ से बिलोंग करते हैं तमिलनाडु कहाँ से तमिलनाडु से अगला क्या है बिहारी पुरस्कार थर्टी फर्स्ट वाला और थर्टी सेकेंड वाला दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं अगला है कुलदीप नायर ये जो अवॉर्ड है ये अभी किसको मिला है आरफा और अजीत जी को दिया गया है फाइन तो इतने अवॉर्ड आपको याद करने ही करने आगे देख लो भाई फिल्म के अंदर फिल्म पर्सनालिटी का अवॉर्ड गोवा के अंदर किसको दिया गया चिरंजीवी जी को दिया गया गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को और सुमित्रा चरत राम अवॉर्ड उमा शर्मा को दिया गया ठीक बा ठीक तो ये यहां पर याद रखना इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है फाइन आई होप कि सबने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे हाँ आखिरी में नाम तुम लोग का लिखना है ओ oh, शेर ठीक है मैंने सिर्फ यहाँ पे थ्री के इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे दूसरे एग्जाम वाले हो तो यहाँ पे अगला नाम तुम लोग का होगा यहाँ पे ऐसे लगा के ना पांच छह एस्ट्रिक मार्क लगा के ऐसे ये तुम लोग का होगा ठीक चलिए तो ये था अपना आज का सेशन अब आपसे मुलाकात करेंगे हम सीधे कल सुबह सात बजे के सेशन में ठीक कल सुबह सात बजे के सेशन में डायरेक्टली आपसे मुलाकात होगी इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पेड बैचेस के बच्चे हैं अपने पेड बैचेस को तब तक क्लासेस को रिवाइज करिएगा बाकी अपना क्लासेस रिवाइज करते रहिए और उसके बाद में तीन तारीख से जो एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एस एस सी के वो हम तीन तारीख से स्टार्ट करेंगे ठीक नेक्स्ट पेड बैचेस जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं एस एस सी सी से जेस एल मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नवम्बर ट्वेंटी से आपका नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है ये है आपका टेलीग्राम जहां पे आपको नए बैच का लिंक और क्लास की पीडीएफ अभी मिल जाएगी पे। जो लगेगा, वो क्या होगा, प्रति करेंट बैंकिंग कैटेगरी में भी एफ का बैच चल रहा है आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट या ई के थ्रू बैच को ज्वाइन कर सकते हो रिपोर्ट एंड इज ऑल्सो अवेलेबल ठीक बा चलो तो मिलते हैं आप लोगों से टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए पेपर अच्छा करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए सवाल मुझे शेयर जरूर से कर देना सो so मैं उसे आगे फॉरवर्ड करूं और फिर हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है क्या हो गया अभी रुको तुम शॉपिंग करवाते हैं रुक जाओ चलो मिलते हैं आप लोगों से टिल दिन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए की प्लानिंग केयर कीप